बच्चों को दुआए बड़ों को सलाम फिजा है मेरा नाम यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 फोर न्यूज पर काली बिल्ली रास्ता काट गई हो तो समझो बिगड़ गया काम कहते हैं ना काली बिल्ली रास्ता काट गई इस तरफ से मत जाओ कोई और गली से चले जाओ अब सारा काम खराब हो जाएगा नहुसत शाम को झाड़ू दिया तो फिर किस्मत खराब शीशा टूटना नसीब फूटना आँख फड़क रही है तो मुसीबत सर पर है ऐसे नहीं फड़कती तो समझे मुसीबत सर पर है अब इसमें भी एक है कि दाई आग का कोई और है बाई आग का कोई और कॉन्सेप्ट है ठीक है कौवा अगर बोले तो फिर बोलते हैं कि मेहमान आने वाला है तो ये कौवा क्या क्या कर रहा है हमारी दीवार पे आके हमारे टेरेस पे आके आज मेहमान आएगा ही आएगा खाली कैंची चलाई तो खूब लड़ाई होगी मना करते हैं ना बच्चों को मगर लोग चलाते भी हैं छी गई तो किसी की याद आई जूती उल्टी तो किस्मत होगी टूटी खोटी पुराने दरख्त पर इंतजार करते हैं भूत परेत साया कब्रिस्तान में चिमट जाती है चुड़ैले जिन सरहाने तले छुरी और प्याज दबाएं तो झिन से अपनी जान बचाएं मतलब कब्रिस्तान में चिमट जाती हैं चुड़ैलें कब्रिस्तान में तो मरने के बाद जितने भी लोग हैं वहाँ दफनाए जाते हैं और वहाँ चुड़ैलें होंगी क्या पता ये कोई कहावतें सही हैं ऐसी बहुत सारी कहावतें लीम मिर्चें दरवाज़े पर लटकाएँ ठीक है और हांडी चाटें तो बारिश होती है हाथ में खारिश हो तो पैसा आता है ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी और तो और कुछ लोग क्या करते हैं चप्पलें उठाते हैं और चप्पल उठा के ना तो अपने बच्चों के ऊपर से लोगों के ऊपर से सात मरतबा वाटते हैं और सुबह फेंक कर देखते हैं अगर चप्पल उल्टी है तो उसका मतलब नज़र लगी है अगर चप्पल सीधी हो गई शर्टल हो गई जैसी होती है और शेप में फिर कहते हैं नहीं नज़र नहीं बचत हो गई बचत हो गई ठीक है लाल मिर्चें जलाना ऊपर से वार वार के इंसानों के ऊपर से मिर्चें वारी जाती हैं इंसानों के ऊपर से काली मिर्चें वारी जाती हैं आजकल तो मैंने बादाम भी देख लिया वारते हुए लोगों को बादाम भी एनीवे anyway, ये सारी वो कहावतें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो घदे की आवाज़ पे भी कुछ है मुझे भूल गया कि जब घदा आवाज़ देता है या चीखता है या बोलता है या ढहचू ढैंचू ऊँची ऊँची आवाज़ में करता है तो वो भी बड़ी नहुसत की घड़ी कहलाई जाती है बट अब ये सब चीज़ों में क्या मिथ है क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है इन सबको कहते हैं तो हम परस्ती ये सारी चीज़ों की इमेजिनरी हमने की हुई है हमने एक दुनिया अपनी अलग तख्लीक की हुई है जिस दुनिया में हम रहते हैं और इस दुनिया में ऐसी कोई भी ऊंच नीच की हरकतें हो जाएँ तो फिर हम सारी चीज़ों का ईमान और बिलीव जो है इस पर लेकर आके बैठ जाते हैं हम कहते हैं भाई ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा था ऐसे ही होगा अब मुझे एक बात की वजह समझ नहीं आती देखें ना तो ये बात मैंने की है ना ये बात आपने की है और जो मेरे मेहमान हैं उन्होंने भी नहीं की बात तो ये बड़े बुज़ुर्गों से ही आई है इसमें कितनी सच्चाई है और बड़े बुज़ुर्गों को हम जुटला तो नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस तो उन्हीं के पास था मगर इसमें कितनी सच्चाई है उनके पास कितना इल्म था या वो इल्म थे दीन और इस्लाम की रोशनी में तो हम परस्ती के क्या मायने इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज हमारे पास मौजूद मेहमान मौजूद हैं एक तो सबसे पहले डॉक्टर आफ़ाफ मंजूर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है उनसे के साथ मेरे पास बहुत अच्छे इस्लामिक इसकाल हैं हसन महमूद जमाती जो कि हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी आते रहते हैं बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं बट सॉफ्ट स्पोकन है आपको उनकी बात बहुत समझ आती है मैंने देखा क्यों आज के टॉपिक पर इन्हीं को मधु करूँ ताकि इन्हीं से पूछू हाँ जी सबसे पहले तो आपसे पूछूँगी अफ़ाफ़ आज का टॉपिक है ये तुहम परस्ती के ऊपर तो मुझे पता ही जितनी कहावतें मैं अभी बोल रही थी इससे लाता दाद और बहुत कहावत है ऐसे ही है इन कहावतों पे इन बातों पे इन मुहावरों पे और ये तहम परस्ती पे आप क्या कहेंगी क्या है अच्छा फिजा सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर आज प्रोग्राम रखा है क्योंकि हमारी जो माशरती खराफा हैं जो कि हमारी वैल्यूज़ और कल्चर्स में भी जिनका मतलब आप समझें एम्बेडेड हैं उनमें से ये एक खराफा है जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में और अभी आप ये जितनी भी सब सुपरस्टिशंस और ये तो तोहमा के बारे में बात करी थी तो मैं थोड़ा इन्जॉय भी करी थी उनको कि उसमें बहुत सारी फ़नी भी हैं लेकिन हकीकत इसकी ये है कि हमारे माशरे में खुशकस्मती से लेके बदकस्मती तक के जो मामलात हैं उसमें हम सुपरस्टिशंस का शिकार हो जाते हैं और तहमात का शिकार हो जाते हैं जैसे आपने कुछ चीज़ों में कहा आ, आ, मिसाल दी कि अगर दाएँ हाथ में ख़ारिश होती है तो आपका पैसा आ रहा है ये गुड लक की निशानी है ठीक है आप आ, अगर आ, किसी से अच्छे तरीके से यानी आँख का फड़कना है अगर कोई आँख दाएँ आँख फड़कती है तो वही अच्छा होना तो है, है बुरा होना है गुड लक के कुछ नंबर्स होते हैं ठीक है यानी आप आप समझते हैं कि अगर जैसे हमारे यहाँ सात का नंबर बहुत अच्छा समझा जाता है बाहर के माशरे में तेरह का नंबर बहुत बैड लक समझा जाता है इसका मतलब है कि हमने गुड लक से ले बैड लक तक के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं अच्छा अब ये है क्या बेसिकली आपकी कम अकली गैर मनतक और जहालत पे बेस करदा जो चीज़ें हैं जिसमें अक़ल और फहम का तल्लुक नहीं है यानी गैर अक्ली एतक़ाद आप इसको कह सकते हैं वो बे बेसिकली सुपरस्टिशन है अब अगर ये वहाँ तक मामला रहें कि सिर्फ आप इसको एक जर्नली अप्लाई करें और जैसे बुज़ुर्गों ने किसी कहावत के तौर पर कहा वहाँ तक तो ठीक है लेकिन अगर आप इसके रिचुल्स के अंदर चले जाएँ और इसको बेजा हर चीज़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये नुकसानदेह भी हो जाती हैं। अच्छा इसकी मैं थोड़ी साइकोलॉजी बताती हूँ आपको कि ऐसा क्यों है ना हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं और ये ऐसा भी नहीं है कि फिजा ये सिर्फ हमारे माशरे का हिस्सा है ये दुनिया के तमाम कल्चर्स में तमाम मजाब में हर जगह मौजूद है लेकिन दीन इस्लाम का ज़ाहिर है इस पर साहब इस पर सा बेहतर बात करेंगे लेकिन आ, दीन इस्लाम ने इस चीज़ को बहुत क्लियर कर दिया यानी क्योंकि इस्लाम तो या वही के इल्म पे एतबार करने को कहता है या फिर ये कहता है कि आप साइंसी तहक़ीक़ के साथ जो इल्म है वो उसकी हकीकत है तो उसके अलावा कुछ नहीं है और इस यही इम्तियाज़ है इस्लाम का भी कि उसने बाकी जो जितने भी मज़ाहब थे उसमें से हमें इस चीज़ से मुबरा कर दिया लेकिन आ, अनलकीली ज़ाहिर है हमारा तल्लु पूरी दुनिया से रहता है तो कही न, कहीं ना कहीं सुपरस्ट्टिटन जो ना हमारे अंदर आ जाती हैं अब ये सुपरस्टिशन जैसे मैंने कहा कि तमाम उसके अंदर हैं मजाहब में हैं और तमाम माशरे में हैं अब इसमें इंसानी अतल किस तरह से इसको लेके चलती है बेसिकली हम जब किसी चीज़ कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है हम किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और एक फरार का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं या हम समझते हैं कि चले हम इसको कहीं साइड पर रख दें अपने वहम और गुमान को तो हम सुपरस्टिशन साथ ले आते हैं हम ये सोचते हैं अगर मैं ये कर लूंगा तो मैं ठीक रह जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि अगर आप घर से जो है वो मीठा खा के निकलेंगे तो अच्छा अच्छे सारे काम हो जाएंगे दही तो खा के निकले मीठा खा के मतलब मुख्तिक तरह से कोई खीर खा के निकले बात है अगर पे जी काली बिल्ली ऐसे सामने से क्रॉस कर रही हो तो क्या जितनी भी गाड़ियाँ मोटरवे पे ऐसे जा रही हैं वो रिवर्स गेर लगा लेंगी मतलब तो यहाँ तो मोटरवे की बात कर रही है यहाँ यहाँ तो आप घर से बाहर कदम रखें अगर काली बिल्ली आ जाती है तो लोग ख्याल करते हैं कि पता नहीं आज का तो सारा दिन बुरा जो है वो गुजरने वाला है अच्छा देखिए ये सिर्फ वहम है ये तहमात हैं तो अल्लाह की बनाई हुई अल्लाह तला की बनाई हुई मखलूक है और फिर ये जैसे मैंने कहा कल्चरली भी डिफरेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कल्चर में आप उल्लू जो है उसको समझते हैं कि ये नहूसत है अगर किसी ने उल्लू देख लिया है ख्वाब में उल्लू आ गया है वैसे नाम भी और आप देखें कि दूसरा माशरा जो है उसमें यूरोप में अल को एक विजडम के उसके अंदर लिया जाता है यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फहम है वो अल के पास है उल्लू के पास है तो इसका मतलब ये कि सब हमारे ये ना सिर्फ इसका तल्क हमारे हमने अपने मज़हब में खराफात निकालनी बल्कि हमारी माशरती और वैल्यूज़ जो हैं और वही बात के कि बुज़ुर्गों से आई हुई हैं तो हर कल्चर में जैसे कोई ना कोई इवेंट होता होगा वो चलता चलाता कहीं पहुंचा और खराफात के अब आप मैं हसन को भी शामिल करना चाहूँगी हसन साहब प्लीज़ मुझे ये बताइए नौजवान नस्ल के लिए तो आप बड़ा रोल मॉडल हैं क्योंकि आप भी ख़ुद माशा नौजवान हैं और आपकी बात बहुत आसानी से मुझे लगता है नौजवान नस्ल सुनती है ठीक है आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से मुझे एक चीज़ बताइएगा नबी पाक सल्ला वसलम ने जो हमें दीन दिया अपनी आखिरी नबूत के तौर पर जो आखिरी उन्होंने अपनी किताब चीज़ हमें मुकम्मल करके दी मुकम्मल दीन समझाया उसके बाद आगे तो कुछ नहीं है ये तो क्लियर कट है न कि वो दीन हमें दे गए और वो सारा कम्प्लीट मुकम्मल दीन है उसके बावजूद हम क्या दीन से हट नहीं गए जो ऐसी चीज़ों पर बिलीव रखते हैं हमें लगता है कौा बोल रहा है तो मेहमान आया है ठीक है या आएगा ऑल दैट फिर चप्पल उल्टी है तो उसका मतलब हमें नज़र लग गई ठीक है ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अंदर क्यों पैदा होती हैं क्या ये दीन से दूरी है दीन की कमी है मतलब वट इज़ इट गोइंग ऑन कि हम इस चीज़ पर क्यों नहीं यू you नो know, अपने आप को सेटल कर लेते हैं कि इन चीज़ों पर हमें मान नहीं लेके आना बसमिल्लर रही सदना मऊलाना महमदमाबारिक वसलम सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अप्रिसन आपको कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है हमारी सोसाइटी के हवाले से बिलखसूस और जैसा कि मैम ने डिस्कस किया है कि ये डैलमा जो है ये पूरी दुनिया के अंदर बेसिकली पाया जाता है लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि तालीम की कमी है तो इस वजह से इस पर बिलीव थोड़ा ज़्यादा किया जाता है मैं आगाज़ करूँगा कि जो हम कलमा तयबा पढ़ते हैं वो ही बेसिकली इस सब की नफी है यानी जब हम पहला लफ्ज़ कहते हैं ना कि ला इलाहा, ला मतलब नहीं है अल्लाह के सिवा कोई मबूद ये ला नफ़ी का मतलब ही यही है कि अल्लाह के अलावा जितनी ऐसी चीज़ें हैं हम सब की नफी कर रहे हैं अच्छा ये बेसिकली एतक़ाद से हाँ जी ये एतक़ाद से मुतल अच्छा। है हम ये बिलीव कर रहे हैं कि शायद ये अल्लाह के करने से नहीं हो रहा ये कवे के करने से हो रहा है या फ़लाँ चीज़ के करने की वजह से हो रहा है तो ये इसको यूँ समझना चाहिए ये पूरे पूरा अकीदे के ऊपर एक हिट होती है ये चीज़ हमारी और इसको करीमा का सल्ला आपने इसको शिरक करार दिया है और कुरान ने इसको रिज में नामल शैतान श्चेटान। ये शैतानी अमल करार दिया है यानी पुराने दौर के अंदर और ये आप देखें उस दौर की हम बात कर रहे हैं जिसको दौर जाहलीत कहा जाता है यानी जाहलीत का दौर जब इल्म नहीं था लोगों के पास शौर नहीं था तालीम नहीं थी आकर इस्लाम की बेसत से पहले का जो दौर है उस दौर के अंदर ये तवाहम परस्तियाँ उन मशरकिन मक् के अंदर पाई जाती थी और दैन लेटर ऑन जिसको आपने इंट्रो में भी जिस तरफ इशारा किया ना कि हमारे बुज़ुर्ग तो बेसिकली ये जो इंडो पाक की सोसाइटी है तो ये यह यहाँ इस यहाँ की सोशल नॉर्म्स के अंदर ये चीज चली आ रही थी मैं तो हमारे बुजुर्ग क्योंकि इसलिए छेड़ रही हूँ कि देखिए ये बात सुनी तो हमने हमारे बुजुर्गों से होती है मैं ये पास रहते रहे यहाँ पे मतलब सोशली एक मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक

किसी जानने वाली फैमिली के साथ वाक़ हुआ है और ये इसी तरह तुम परस्ती के बिना पर किसी की शादी ख़राब की गई है एक ब्रेक के बाद आपको मिल रहा है वेलकम बैक तुम परस्ती के टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं आप कॉल भी कर सकते हैं हमें अगर आपको कोई सवाल करना है हमारे पास मजिज़ मेहमान मौजूद हैं मैं एक किस्सा शेयर करना चाह रही थी कि एक हमारी जानने वाली फ़ैमिली है उधर ना एक लड़की की शादी हुई जब वो शादी करके जिस दिन जा रही थी उसका घर पे निकाह शिका सब फंक्शन वंक्शन हो गया उसके बाद जब उसने रुख्सत करना था उधर से तो मेहमानों के खाना वाना सब इंतज़ाम जैसे बाप भाई बिजी थे तो उनको फ़ोन आया कि लड़के के भाई का इंतकाल हो गया आपको समझ आ रही है लड़के जी के, जी, के भाई का इंतकाल तो उनके अबू और उनकी अम्मी वो अक्कड़ गईं उन्होंने कहा अभी निकाह हुआ है और अभी के अभी इंतकाल हो गया इसका मतलब इसके कदम मनहूस है इसको नहीं लेकर आना अब वो लड़की है तो निकाह में बेचारी मगर उस घर के अंदर कदम नहीं रख सकती और बेचारी इतना रो रही थी कल भी मुझसे मिलने के लिए आई तो वो यही रो रही थी कि निकाह मेरा हो गया है डेढ़ साल से मैं किसी के निकाह में हूँ कोई फैसला बन नहीं रहा अब वो लड़का जो है वो कहता है कि मैंने इसी से इसी के साथ रहना है मगर घर वाले उसको कह रहे हैं कि नहीं ये इसको किस्से को ख़त्म करो तलाक दो और उसको छुटका छुटकारा करो हम तुम्हारी जान से तुम्हारा अपना हाथ नहीं खो बैठ सकते मगर तुम्हारा बच्चा हाथ से चला जाएगा जब भाई मर गया तो तुम भी कुछ हो जाएगा अब उनका ये मान दो भाई थे तो माँ बाप तो कमजोरी है इल्म की कमजोरी है तालीम की कमी की वजह से सबसे मेन रीजन तो इसका ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर तालीम नहीं तो है सर आज में है कि इसका तल्लुक नहीं है इसका तल्लुक जैसे आपने भी पहले कहा एहतकाद यानी इसका तल्लु एतक़ाद और यकीन से है तालीम याफ़्ता ममालिक में भी ये सब मतलब है और तो हम परस्ती और जो फैमिली आप बात करें यकीन वो पढ़े लिखे होंगे तो कोई डिग्री तो किसी ना किसी के पास होगी लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका तल्लु एतक़ाद के साथ है यानी जैसे जैसे आपने अभी आपने बताया था कि हम मतलब पर यकीन रखने की बजाय तो पर यकीन रखना शुरू कर देते हैं और इस चीज़ की हम डिग्री तो करनी है हम हमें बाकी की दर हाँ। मिलनी है स्कूल्स में स्कूल्स में, में भी दी जा सकती है मदारस में मिल सकती है मसाजिद के अंदर आय की ये जिम्मेदारी है कि वो जुम्मे के खुतबात के अंदर इस चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस करें ये आपका एक शो बहुत जबरदस्त है ये तो एक एक ये, जैसे ये मीडिया का जो किरदार है ये जो आप अभी प्रोग्राम इस पर कर रही हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये आपने इसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और ये बेसिकली तालीम इट इज नॉट अबाउट दैट कि वी आर जस्ट गोइंग इन यूनिवर्सिटी और इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और हम वहाँ पे जाके लर्न करें एजुकेशन के मुख्त तरीके का सेकंड पॉइंट बता देती हूँ एक तो ये मिसाल दे दी ना क्योंकि हम तो अभी जब स्टार्ट किया था हम जी तो जी कौवे बिल्ली काली बिल्ली इसी तरीके की बात मगर अब आगे इसलिए मैं स्टेज पर बढ़ना चाह रही हूँ अब और क्या स्टेजेस होते हैं अब घर में अगर किसी का या मियाँ का कोई लॉस हो गया है या कारोबार में बरकत नहीं रही है तो सबसे पहले बीवी ये मनहूस है इसके कदम मनहूस है क्योंकि रिस्क तो बीवी के नसीब से मियाँ को मिलना था तो ये ब्याह के लेके आए ये मनहूस है इसे तलाक दो दूसरी लेकर आओ Why is that? क्यों खराब हो रही है ये सिर्फ जहालत की बिना पर है मैं जहालत की भी डेफिनेशन कर दूँ जहालत इसको नहीं कहते कि कोई एजुकेटेड पर्सन है ये जहन में रखिएगा दो तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं एक होती है लाइल जिसको सिर सेलम ही नहीं है एक है कम इल और तीसरी कैटेगरी है जहालत की जहालत उस शख्स को कहते हैं कि जो कुछ न कुछ जानता ज़रूर है लेकिन इस तरह की चीज़ों के ऊपर हटदर्मी की वजह से बिलीव करना शुरू कर देता है तो ये बेसिकली जहालत है कि हम जो एजुकेशन हमें कहती है जो तालीम हमें कहती है इल्म हमें कहता है दीन हमें यह कहता है कि इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करना मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि आकाल सलाम ने एक रोज़ सुबह आपने नमाज फजर अदा फरमाई बारिश हुई हुई थी रात को बारिश हुई तो आकाल ने फजर की नमाज़ पढ़ाते ही फ़ौर पीछे मुँह किया तो हज़ूर ने फरमाया कि कुछ लोगों ने तो ईमान की हालत में सुबह की और कुछ ने कुफर की हालत में सुबह की अभी एक फरिश्ते ने मेरे मुझे आकर ये बात कही तो सहाबा ने अर्ज़ किया यारसोल्ला ये कैसे आपने फरमाया कि कुछ लोगों ने तो ये बात मानी कि ये बारिश अल्लाह ने नाजिल की है लेकिन कुछ लोगों ने ये यकीन रखा कि ये चंद सितारों की वजह से ये बारिश हुई है तो सितारों पे यकीन रखना किसी बंदे पे यकीन रखना इंसान है वो वो किसी चीज़ को क्या कर सकता है ये तो अल्लाह रबुर्ज़त की जात है वो कुरान मजीद में बार बार कह रहा है कि जो चीज़ नाजिल होती है जो चीज़ तुम्हें दी जाती है वो अल्लाह की तरफ से है अदीस में है कि आकर इस्लाम इर्शाद फरमाया था कि अगर कोई शख्स ये बिलीव कर बैठे तो हजूर ने फरमाया कि चालीस दिन तक उसकी तोबा रोक दी जाती है अच्छा अगर कोई किसी काहन नजूमी के पास चला जाए ये पूछने के लिए ही ही सकता। जी चालीस दिन वो तोबा तो करता है लेकिन माफी रोक दी गई है उससे ओके। उसकी चालीस रोज की नमाजें कबूल नहीं है आकलम अगर किसी को नजूमी के पास चला गया और पूछने के लिए कि जी, ये ऐसे हुआ है फिर हाँ। ये पत्थरों पर बिलीव करना की अंगूठी के अंदर फला पत्थर है तो इसके ये फायदे है और ये सारी साइंटिफिक चीजें हो सकती है अब किसी को छींक आती है तो इसकी मेडिकल रीजन है इसकी साइंटिफिक रीजन है बाज अवत आप धूप में निकलते हैं सूरज की रोशनी अचानक पड़ती है वो आँखों के अंदर सारा लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन वो सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से आपको छींक आ रही है हिचकियाँ आती है तो हिचके पर शुरुआत है कोई याद कर रहा है एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी अब हम थर्ड स्टेज की तरफ भी बात करते हैं तो रिश्तों की खराबियाँ थर्ड में क्या है स्टोन्स के ऊपर आप ईमान रख के बैठ जाते हैं सारे स्टोन्स कोई ना कोई उसका जो है ना चमत्कार होता है एक काम कर रहा होता है वो स्टोन भाई ये इसकी ज़िंदगी में ये कर देगा वो स्टोन इसकी जिंदगी में ये बदल देगा ये वाला पत्थर इतना पैसा लेकर आएगा कि तुम पहनोगे तो भाई तुम्हारे पैसे गिनते गिनते थक जाओगे इस पत्थर के पहनने से तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी ठीक है इस पत्थर के पहनने से तुम्हारे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा ये सब क्या है ये जाहिर है सारी कुफर की निशानियाँ हैं शिरक है कि आप, आप का इतका जो है वो खुदावंद अल्लाह तला की ज़ात से हट के आप जो है ना वो कोई ऐसी पत्थरों पे करना शुरू कर दें जायदाद तो अपने पत्थरों पर लगाते हैं थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो नहूसत और ये सारी इतका की कमी है और यकीन की कमी है ये इंसान को बहुत बहुत बुराई तक ले जाती है आप देखें ना खुदा न खास्ता हम माशरे में ये सब देखते हैं कि बेटियाँ पैदा हुई तो उनको बहा दिया गया ये हम किसी जमाना जहालत में सुनते थे जिस भी अभी ये जिक्र कर रहे थे लेकिन आज के दौर में भी ये सब कुछ है ठीक है आप यानी उनको मनहूस समझते हैं आप किसी भी चीज़ को जिसको मनहूस समझें जैसे आपने ये बात की कि, कि बीवी जो है वो मनहूस है उसकी वजह से मालो दौलत घर में नहीं आ रहा ठीक है अब हो सकता है देखिए नहीं होता ऐसा नहीं होता मनहूस कैसे हो सकता है अल्लाह तौल ने तो इसका कोई कुराना पाक में भी कोई जिक्र नहीं है अदीस में भी हमें कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि किसी इंसान को किसी भी तरह से मुख्तलिफ करार दिया जाए इवन कि हमारे नबी सली वसम का जो आखिरी खुतबा था उसमें भी उन्होंने बहुत वाजह तौर पर बता दिया कि किसी भी इंसान को किसके ऊपर जो है वो तकवा की बुनियाद पर सिर्फ कोई चीज़ हासिल है और कोई भी इंसान किसी से कम नहीं तो मनहूस होना तो बहुत ही आज के दौर में बहुत मजलूम है, है। ये सारी चीजें कहा होती है जो कुछ होती हैं स्टोरी टेंगे वो हाँ। होती है लेकिन उसे ये उसे सिर्फ औरत ही नहीं मतलब मर्द या किसी भी किसी बच्चे के ऊपर भी आवाज़ उगात हो जाता है कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ है ये ऐसा होना शुरू हो गया इस तरह होना शुरू सारे बच्चा हुआ खा गया है ना अब वो कहाँ से चलती है ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसी टॉपिक पे बात करें हम परिस्थिति के ऊपर और मजीद जानिए इसी प्रोग्राम वेलकम बैक आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा और हम बात कर रहे तो हैं परस्ती के ऊपर अभी ब्रेक से पहले आफाफ से जब मैं बात करी थी तो अफाफ ने कहा कि पत्थर पहनना कुफर है तो मेरा सवाल हसन साहब आपसे ये है कि एक जावेद चौधरी है पहनना कुफर नहीं है, है? है मतलब अच्छा। पत्थर पे इस नीयत से पहनना कि ये मेरी किस्मत या तकदीर बदल देगा वो ऑफ कोर्स या शिर्क में शामिल तो जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा था कि उसमें उन्होंने किसी आलिम का किसी मुफ़्ती का इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये बताया कि नबी पाक सल्ला वसलम भी हकीक का पत्थर पहना करते थे इसमें क्या हकीकत है ज़रा बयान कीजिएगा दीन की रोशनी में कि जो लोग पत्थर पहनते हैं पत्थर पर मान लाते हैं और पत्थर से क्या ये चीज़ें होती हैं कि आपकी बॉडी में ये रेज चीज़ें एनर्जी अंदर यू नो आपके सोर्स जाए और आपके वो जो काम आप सोच रहे हैं वो हो जाए तो प्लीज़ बयान कीजिएगा मैं इसको अर्ज़ कर देता हूँ दो एंगल्स हैं इसके बेसिकली एक तो ये है कि सबसे पहले जो मैम ने बात फ़रमाई है वो बिल्कुल दुरुस्त है ये बिलीव करके पत्थर पहनना कि इस पत्थर से ये पहनूँगा तो ये काम इस अंदाज़ में होंगे ये बिलीव करना ये तो शिरक है कि कोई पत्थर किसी को कुछ नहीं दे सकता आकल तो सरतम ने बिल्कुल हकीक और मरजान के पत्थर पहने हैं लेकिन उनमें आकल जी जी बिल्कुल पहना लेकिन आपने या याकूत मुख्तलिफ मतलब आपके अंगूठियों में रहे हैं लेकिन आपने ये बिलीव करके नहीं पहने वो अंगूठी वो एक नगीना है ये कीमती पत्थर हैं जैसे धाते निकलती हैं सोना है हीरा है चांदी है ये मुख्तलिफ धातें ज़मीनों से निकलती हैं तो ये भी कीमती पत्थर हैं जो जिनकी मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी महंगे ये बिकते हैं तो ये इस रीज़न की वजह से महंगे नहीं बिकते कि इनके अंदर कोई स्पेशल किस्म के कुछ अफेक्ट्स पाए जाते हैं तो जी ऐसा वो बल्कि उनकी कीमत की वजह से कि उनकी वैल्यूज़ जो है वो अच्छी होती हैं कि वो बड़े कीमती माने जाते हैं सही है जैसे आप दीवारें या छतें घर की डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं और ये समझते हैं कि इसकी वजह से हवा का दबाव बेहतर रहेगा इसकी वजह से एनर्जी लेवल जो है वो इस तरह से क्रिएट होगा तो यही कॉन्सेप्ट जो है इन पत्थरों का भी है कि आप के डिफरेंट साइंटिफिकली वो आपको किस तरह से प्रोवाइड करें जैसे आपने एनर्जी की भी बात की तो वो यही है कि उसके अंदर से रेज कैसी निकलती हैं साइंटिफिक है उनकी सारी रीजनिंग तो साइंटिफिक रीजनिंग के साथ आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो देखें है। वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यह वाज कहा कि तहकीक करो और जानो और जानने की कोशिश करो और आ, जितनी भी मतलब ये तमाम चीज़ें हैं हमारे फ़ायदे के लिए बनी हुई हैं एक और रिसर्च की जा रही है, है ना जिसमें पत्थर रखा जा रहा है और पत्थर को ना देर तक देखा जा रहा है बुरी निगाह से मतलब बुरे तरीके से जो बैड थाट्स हैं आपको आपके दिमाग में ला आप उसको देख रहे हैं और उसमें दरार पड़ जाती है ये आजकल इस तरह की रिसर्च साइंस भी कर रहा है तो ये जो हम ये बातें करते होते हैं ना कि पत्थर में भी दरार पड़ जाती है नजर लग जाएगी किसी की से। तो कर साइंस भी इसकी करा। आपको रिसर्च चल है। वो तो, वो देखें वो उसके ऊपर साइंस का जो वो बिलीव है ये मैं रोशनी डालेंगी वो आपके आ, की प्रोसेस के ऊपर है कि आपकी जो थॉट्स हैं या जो आप जहन के अंदर ख्यालत हैं उनकी पावर कितनी जो आवाम जितनी बैठी हुई है ना इनको ये समझाना यही तो है हमने यहाँ पे बैठ के

तो ये काइंड ऑफ इफेक्ट मैम इसके ऊपर बेहतर बात कर सकती हैं ये और चीज़ें ये तो साइंटिफिक चीजें हैं ना लेकिन किसी चीज के ऊपर अच्छा, रखना वो गलत और मैं एक चीज़ जो ब्रेक अच्छा, के, के बाद ताकि थोड़ा सा टाइम मिले हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए तो खासतौर पर मुझ समेत आप समेत जो हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं हमें लगता है हम इन चीजों पर जब बात करते हैं तो हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो वी शुड टॉक पॉजिटिव अभी आपको ब्रेक के बाद मिलता है अच्छा जी वेलकम बैक यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हम बात करें तो हम परस्ती के ऊपर ये सारी बहुत सारी कहावतें ऐसी जैसे कि हम जिनके ऊपर बात कर रहे थे सबसे पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँगी यहाँ पर कि हम बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो हैं अपनी ज़िंदगी से छोड़ देते हैं बहुत से काम वो करते करते छोड़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे तारीख़ किसी तारीख़ को भी कभी कहते हैं कि ये मई के महीने की तारीख़ है इसके दिन कम है ये मनहूस है इसमें कुछ नहीं करना सफर का महीना मनहूस है सफर के महीने में कहीं नहीं जाना ये बड़ा तकलीफ वाला होता है बड़ी तकलीफें देता है ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि सफर के महीने में घूमो फिरो नहीं ट्रैवल ना करो कोई बुरा हादसा होगा सफर के महीने में सफर ये सब क्या है ये सारी ये, ये सारी ला इल्मी की बातें हैं यानी इम ना होने की वजह या फिर इस दिन शादी नहीं होनी चाहिए इस तारीख को अगर शादी कर ली तो फिर इस तारीख को शादी करने के बाद तो बस सब कुछ कुछ तारीखें चीज़ें सारी अल्लाह की मखलूक हैं दिन सारे अल्लाह के हैं सारे दिन मुबारक हैं सब दिन मुबारक हैं और सफ़र के महीने के बारे में तो इस्लाम ने बड़ी वाज़ क्लियर हदीसें मुबारक है तीन चीज़ें हज़ू ने इर्षाद फरमाई हैं जिनका एक का एक का जिक्र तो मैम ने कर दिया था एक चीज़ें हजूल ने फरमाया कि ये बदशुगुनी किसी भी चीज़ के बारे में वहम रखना कि ये कुछ करती है ये भी गलत है दूसरा आकाल इस्लाम नेर्षात फरमाया उल्लू के बारे में ये ख्याल करना कि उल्लू से कोई चीज़ जो है वो गलत होती है ये भी फरमाया गलत है और तीसरा फरमाया कि लोग सफ़र के महीने के बारे में नुसरत रखते हैं आप ये 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 बात अंडरस्टैंड कीजिए कि ये कहाँ से थाट आ रही है ये मुशरक़ों से आ रही है वो जो आकर इस्लाम की विलादत से और आपकी बेसत से पहले के लोग थे जो बुतों की इबादत करते थे वहाँ से ये थॉट प्रोसेस तो सेम एज़ जो, जो जो लोग यहाँ पे भी उसी प्रोसेस के अंदर इन्वाल्व रहे हैं सिंडो पाक की सोसाइटी में सब कॉन्टीनेंट में तो ये भी वही सोच रहे हैं कि शायद सफ़र का महीना नौसत का है उल्लू नौसत वाला है और किसी से बच्चोगी लेना हाँ, आपने भी सुनी होंगी ये बातें अगर प्रेग्नेंट वुमेन है चांद के ग्रहण है तो वो कैंची हाथ में ना पकड़े कोई लोहे वाली चीज़ हाथ में ना पकड़े चूल्हे के पास ना जाए घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाए सूरज ग्रहण चांद ग्रहण दोनों टाइम पे यही सीनियर सुनने को मिलता है तो आपके पास तो पेशेंट्स आते हैं कोई ऐसी बातें सुनने को मिलता है आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं यानी जिनके साथ कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों के साथ वो मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं अब मैं ये कॉन्सेप्ट जो आपने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे ऐसे हो जाए यानी डिसेबिलिटी या माजूरी के साथ भी हमारे यहाँ इस कदर तोहमत जुड़ी हुई हैं यानी जब मेरे पास आते हैं और मैं पेरेंट्स से हिस्ट्री लेती हूँ कि क्या हुआ था बच्चे की पैदाइश कैसे हुई या प्रोसेस क्या था तो उसमें अक्सर वाल वाले जो हैं ये, ये पे हैं। ये बताते हैं कि जी उस टाइम पे ये हो गया था आ, मेरी सास ने ये कहा था ऐसे कर लो मैं मैंने वो नहीं रखा के साथ नहीं, नहीं। बता दूंगा हमारा बच्चा इस वजह से माजूर हो गया ये ऐसी उसके अंदर कोई कंडीशन आ गई है कि जो उस टाइम पे ये सारी सिचुएशन चल रही है इस कदर तो हैं हर चीज को लेके बीमारी को लेके मजूरी को लेके इवन के कुछ किस्मती बदकिस्मती हमारा टाइम खत्म हो जाए अब इसका सलूशन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फ़ील्ड जो आपकी रिसर्च है आपके आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है लोगों की कि वो तुम परिस्थिति के वहम से दूर हो जाए देखिए साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली हम सिर्फ दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम, तो हम परस्ती का शिकार होते हैं और उसमें पहली वजह है कि अनसर्टेनिटी यानी हम किसी चीज़ के बारे में अनसर्टेन हो हमें यकीन ना हो किसी चीज़ का कि कैसे होने वाला है दूसरा होता है खौफ किसी भी चीज़ का कि क्या हम इस चीज़ में कामयाब होंगे या नाकाम हो जाएंगे या क्या होने वाला है ये सारी साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीज़निंग है जिसकी बेस के ऊपर हम किसी भी चीज़ पर तहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं और बग़ैर लॉजिक के साथ बग़ैर रीज़न के साथ यकीन करने पर तैयार हो जाते हैं सिर्फ़ अपने आप को एक दिलासा या तसली देने के लिए तो देखिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना वो यही है कि आपका ईमान और इतद यकीन अगर हम मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सबसे बड़ा हासिल है ना आप ये समझ लीजिए हमारे लिए रहमत और बरकत है वो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें इस ईमान के साथ और इस तहीब के आ, उसके साथ हमें पैदा कर दिए बाकी साइंटिफिकली तो फिर हम रह ही नहीं जाता बाकी कुछ हमें वो समझाना ही नहीं पड़ता अगर हम मुसलमान हैं तो तो हमें इस बात पर यकीन कि जो कुछ भी होने वाला है वो तमाम अल्लाह ताला की जो ज़ात मुक़दस है वो उसके ज़रिए होने वाला है और हम अपनी पॉजिटिव एफर्ट जो है उसके अंदर पुट करें ये बड़ा ज़रूरी है साथ यानी सिर्फ ये भी नहीं कि हम अल्लाह ताला पे उस पर करके बैठ जाएंगे जो करेगा अल्लाह करेगा बेहतर करेगा मेरा मानना ये है कि हमें इस चीज़ के लिए कोशिश भी करनी है तो आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ अच्छी थॉट्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने को की कोशिश करें इन वहम परस्थितियों से बाहर आ जाएँ वरना जैसे मैंने आपको कहा कि और ये हकीकत है कि इसकी तरफ लोग लीड कर जाते हैं यानी हर चीज़ में यानी एक कदम भी उठाना है ना तो वह पहले वो लिंक कर लेते हैं उस चीज़ को कि हमें कोई बताएगा कि हमने इसका क्या हाल है तो हम अगला कदम उठाएंगे तो अपने आप मैं ये चाहूँगी कि आखिर में प्लीज़ कोई प्रैक्टिस हमें बता दीजिए दुआ को बता दीजिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि दुआओं की तो फजीलत बहुत होती है तो कोई भी ऐसी जो आपको लगता है कि आपके इस्लाम और दीन की रोशनी में आप रहनुमाई कर सकें कुरानी मजीद के ऊपर पूरा बिलीव रखें पूरा बिलीव कुरान मजीद पर रखें कुरान मजीद की तिलावत की कसरत करें और आखिरी जो दो सूरतें हैं ये हमें दी गई हैं कि अगर आपको लगे कि कहीं पर मिस है या बच्चे को नज़र लगी है जो नज़र बरक़ है उसके उतारने के लिए दुआ है अदबात ला ताम मिनकुल्ल तान वहाम व मिनकुलआन लामा यह हदीस मुबारक की दुआ है आपको ये अरबी टेक्स्ट गूगल से आसानी मिल जाएगा ये पढ़ लें और आखिरी दो सूरतें ये बच्चों पे पढ़ के फूँकते रहें ये मिर्चें वारने जूते वारने की कोई ज़रूरत नहीं है ये बिल्कुल गलत चीज़ है थैंक यू बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ अवरी का बहुत अहम मौजू के ऊपर आप लोगों ने रहनुमाई की हमारी और आई होप कि हम इस तरह की जो प्रैक्टिस है इस तरह की जो दुआएँ हैं उनके असकान में रहें उनके जिक्र में रहें ताकि हम इस तरह के वहम से दूर रहें और प्लीज़ अपने रिश्तों को ख़राब मत कीजिए अपने लोगों को अपने से दूर मत कीजिए किसी को मनहूस मत कहिए और ये परिंद चरंद बिल्ली कुत्ते इन के ऊपर जो है ना ये इल्जाम इल्जाम परोशी हुई ना कि इल्जाम लगा के hmm. तो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर तो आप अपने जो है ना मामला को उसके सपोर्ट कर देते हैं कि भाई ये सब कुछ इनकी बस स्टॉप डोइंग जो कुछ हो रहा है आपके अंदर कोई फॉल्ट चलिए चेक दैट ठीक है जबरदस्त पर्सनैलिटी एक ऐसे होनहार ज़हीन, इंसान हमारे साथ मौजूद है जिनकी मैं मिसाल आपके सामने यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगी आपकी मुलाकात भी अभी करवाती हूँ उससे आपका बड़ा फ़ायदा होगा इसलिए कि ये कैसे इंसान है जो हज़ार रुपये से किसी का भी कारोबार शुरू करवा के दे सकते हैं अब बल्कि अब इनका यही आ, काम है कि जितने भी जो लोग हैं अगर इनके पास तालीम नहीं है तालीम की हमारे पास कौन सी तालीम होती है यहाँ पर पाकिस्तान में वैसे भी कौन सी तालीम मुफ्त है इतनी महंगी तालीम है तो हर कोई तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता और जब पढ़ा नहीं पाता और कोई थोड़े से बस कम तालीम वाले या ना यू नो तालीम ही हासिल ना कर सकें और उनको कारोबार तो करना है अपनी रोज़ी रोटी तो चलानी है ना वो लिविंग कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है तो उनको ये बिज़नेस करवा के देते हैं किसी को तो हज़ार में भी बिज़नेस स्टार्ट करवा के दे देते हैं तो मैं आपको ये इनसे मुलाकात करवाती हूँ कि ये किस तरीके से करते हैं और आज आप लोग को थोड़े से इस तरह के रास्ते भी दिखाएंगे कि अगर आपने घर में कोई छोटा स्मॉल बिज़नेस शुरू करना है तो उसके क्या तरीक़े किस तरीके से आप एक बड़े बिजनेस की शक्ल इख्तियार करवा सकते हैं अपने छोटे कारोबार को मेरे साथ मौजूद है शाहिद जोया साहब इंटरप्रेनर हैं और आज हमारे सेट पे हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया आपने मदू किया थैंक यू नहीं।, नहीं तो आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फिर आपकी कोशिश बड़ी अच्छी है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी पहले तो ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको ये सब एक्सपीरियंसिस हुए कैसे आप क्या करते थे कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये फिर ये सब कुछ कैसे आपको आइडियाज़ मिले मेरा ताल्लुक खानीवाल के एक नवाही गांव से मैं आपको पहले गाँव चाक बोलिएगा जी मेरा ताल्लुक खानेवाल के एक नवाही गांव चाकु से, से है और वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद मेहनत मजदूरी के लिए शहरों में निकल गए अच्छा तो झाड़ू देने से अपनी पहली नौकरी का आगाज किया मैंने अच्छा और आखिरी नौकरी झाड़ू देते थे सड़कों पर नहीं एक फैक्ट्री के अंदर टेक्सटाइल मिल गया और आखिरी जो मेरी जॉब थी वो थी जनरल मैनेजर की और उसके बाद छोड़ दिया और अपने कारोबार में आया और कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आ, नुकसान इस वजह से हुआ कि कोई गाइड नहीं था कोई मैंटोर अच्छा। नहीं था कोई बताने वाला नहीं था जिससे भी पूछो वो चीज़ें छुपा लेता था तो जब अपना कारोबार फेल हो गया और उसके बाद दोबारा से उठा तो एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि ये जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं ये आम पाकिस्तानियों के भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे काम शुरू किया और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजनेस स्टॉक्स के नाम से काम करता हूँ तो बिजनेस स्टॉक्स एक माना जाना नाम है दस हज़ार से ज़्यादा लोगों को प्रैक्टिकल बिजनेस शुरू करवा चुका हूँ अच्छा। जिसके अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन फर्म रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कस्टमाइज मशीनरी रॉ मटेरियल्स कम क्वांटिटी में तो देखने वालों को बताएं इतना माशाल्लाह आप काम करें क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम होता है मैं चाहती हूँ जितने आपसे सवाल कर सकूँ लोगों को फ़ायदा हो सके वो बेहतर है औरतें और मर्द दोनों अलग कैटेगरी के यू नो आइडियाज़ लेकर जनरेट होते हैं तो उनके लिए कौन से आप बिजनेस कहेंगे कि जो कर सकती हैं औरतें कौन सी कर सकती हैं मर्द कौन से कर सकते हैं और बिल्कुल कम खर्चे में देखिए मिसाल के तौर पर हम ए सी खरीदते हैं ना तो वो दस साल के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती जूता ख़रीदते हैं तो छः महीने के लिए ज़रूरत नहीं होती ऐसी प्रोडक्ट करें खुवातन बिलखसूस जो घरों में जाएँ और अपना वजूद ख़त्म कर दें मिसाल के तौर पर सबसे पहले उठते ही हम ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट बनाएं और उसको दुकानों पे सप्लाई करें वो अपना वजूद ख़त्म कर देते हैं अगले हफ़्ते फिर चाहिए इसी तरह सर पे लगाने के लिए ऑयल है आ, ब्यूटी क्रीम्स हैं लोशंस हैं कॉस्मेटिक्स हैं साबुन हैं शैम्पू हैं ये वो सारी चीज़ें हैं जो घरों में जाती ज़रूर हैं इस्तेमाल होने के बाद अपना वजूद ख़त्म कर देती हैं तो ऐसी प्रोडक्ट्स पर जब, जब जब जिस जिसने काम किया वो ज़्यादा कामयाब हुआ है अरे वाह तो और तेज तरह के प्रोडक्ट्स अपने डिज़ाइन कर सकती हैं और वाह वेरी नाइस अच्छा आइडिया था एक तो मुझे भी दिमाग में आ गया बिज़नेस अच्छा खैर उसके बाद जो मर्द हजरा हैं उनको कौन कौन से आइडियाज़ आप देंगे कि कौन से कर सकते हैं देखिए डिपेंड करता है कि उनके पास बजट क्या है दस हज़ार रुपये से ले कर दस लाख रुपये के दरमियान जो बजट है इसमें बिज़नेस शुरू करवा के देना हमारी स्पेशलिटी है तो जैसा कि डिस्टेंपर और पेंट हर घर की ज़रूरत है ये पाँच लाख रुपए में शुरू किया जा सकता है मिर्च मसाला जात जो हैं ये हर घर की रोज़ाना की ज़रूरियात हैं इसका बिजनेस ,00 पाँच लाख में शुरू किया जा सकता है सॉल्ट का ब्रांड जो है वो तीन लाख रुपए में बनाया जा सकता है अपना कॉस्मेटिक्स का ब्रांड अच्छी क्वालिटी का दस लाख रुपये में बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है इसी तरह दो किस्म के माइक्रो बिज़नेस हैं जिसके अंदर हम हेल्प करते हैं माइक्रो बिज़नेस क्या होते हैं माइक्रो बिज़नेस ऐसा बिज़नेस जो कमरे के एक कोने से भी शुरू किया जा सकता है Okay. अच्छा फॉर एग्जाम्पल कमरे के कोने से किस तरह से? जैसे हवाई चप्पल अगर कोई बनाना चाहता है तो वो कमरे के एक कोने में उसकी मैनुफेक्चरिंग कर सकता है कोई डिटर्जेंट बनाना चाहता है तो वो कमरे में रखे हुए एक मेज से शुरू कर सकते हैं अच्छा। मुख्तलिफ किस्म के सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके बेचना चाहता है तो वो एक टेबल से शुरू किया जा सकता है तो ये है। अब, अब, मैं, अब ये भी पूछना चाहूंगी अब मेरा भाई सपोज किसी देहात में किसी जगह ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे उसके पास सिर्फ हज़ार रुपए हैं और मेरे भाई ने बिजनेस शुरू करना है ठीक है अब ऐसे एक भाई नहीं बैठा मैंने नाम एक भाई का लिया उसके पीछे लाइन लगी है इन सारे भाइयों ने बिजनेस करना है वो आप तक नहीं पहुंच सकते अब उनकी खुद की जो मदद है वो आप अपनी कैसे कर सकते हैं ये आपने एग्जांपल देनी है कि वो हजार रुपये में खुद बैठ के वहाँ कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कौन से आइडियाज़ दे दे में आप देखिए हज़ार रुपए में ज़ाहिर हज़ार रुपए वाला ही बिजनेस शुरू होगा कौन सा उसमें बहुत सारे मिसाल के तौर पर घर में अपनी चॉकलेट बना सकता है हजार रुपये में बना के बेच सकता है घर में वो लॉलीपॉप टॉफ़ियाँ बना सकता है वो बना के हज़ार रुपये में शुरू कर सकता है हज़ार रुपये में वो डिटर्जेंट बना सकता है बना के शुरू कर सकता है या फिर वो हज़ार रुपये में ट्रेडिंग शुरू

कैसे कर सकता है डिस्प्ले मिसाल के तौर पे उसने चने बेचने हैं तो सर के ऊपर चने की प्रात रखे और दुकानों पे जाए घरों पे जाए और जाके बेचे तो उसका चलता फिरता वो खुद मार्केटिंग कर रहा है और अगर उसके पास थोड़े से पैसे हैं तो वो पम्फ्लट छपवा सकता है जो कि थोड़े पैसों में पर्चियाँ प्रिंट हो जाती हैं या फिर फोटो मशीन से कापियाँ निकल सकती हैं वो जिस प्लेट के अंदर रख के दे रहा है उसके अंदर अपना एक छोटा सा स्टिकर रख दे अपने विजिटिंग कार्ड बनवा सकता है जो कि हजार रुपये में बसानी बन जाती है ये कोई हेल्प भी कर सकता है उसकी अपने प्रॉफिट में से थोड़े पैसे बचा के वो कार्ड्स बनवा अच्छा सकते हैं लोकल दुकानों में सामान रखवाए जाते हैं वहाँ पर बहुत सी चीजें जैसे नहीं चलती कुछ औरतें अगर तेल बनवा के रखवाती हैं हेयर फॉल का तेल या कोई यू नो कोई ऐसी स्किन की क्रीम तो दुकानदार आके कहते हैं जो तू माल दे के गई है बहनी है तो बिकते ही नहीं है आगे कोई खरीदता ही नहीं है फिर क्या करें मैं जल्दी से बताऊंगा चार चीज़ें कर लें नंबर वन जब भी अपनी प्रोडक्ट रखवाएं दुकानदार के हाथों के नज़दीक रखवाएं क्योंकि जब वो थक जाता है तो वो कुर्सी पे बैठ जाता है और फिर उसके हाथों के नीचे रखी हुई चीज़ें ज़्यादा फरोख्त होती हैं नंबर टू जब कस्टमर दुकान के अंदर आता है तो वो दुकानदार की आंखों में देखता है तो आंखों में देखते हुए बैक साइड पे भी नज़र आता है तो पिछले रैक के अंदर रखवाएं हाथों के नज़दीक और उस रैक के अंदर जो कस्टमर को भी नज़र आ रहा है तो आपकी सेल बढ़ती है नंबर तीन जब आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले में रखी हुई और फ़रोख्त भी हो रही है तो आपका रैक ख़ाली नहीं होना चाहिए यानी उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए वरना उसकी जगह पे किसी और की प्रोडक्ट रख दी जाएगी और नंबर चार जब भी आप बार बार जाते हैं तो आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाती है जब आप अपनी प्रोडक्ट को रखवा के भूल जाते हैं

एक ब्रेक के बाद मिलते हैं जो साहब जो बहुत मजे के आइडियाज़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ख़ासतौर पर कि आप घर बैठ के कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन नई चीज़ नई ईजाद कर सकें ब्रेक के बाद मिलते हैं वेलकम बैक वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा शाहिद जोया साहब हमारे साथ, हम साथ मौजूद हैं इंटरप्रेनर हैं और आज हमें बता रहे हैं आइडियाज़ कि हज़ार रुपये से हम कैसे घर में बिज़नेस शुरू कर सकते हैं किस किधर भी मुल्क में किसी भी जगह पे आप कोने में बैठे आपके पास सिर्फ आइडियाज़ होने चाहिए आपको कोई एक वो कहते हैं ना रास्ता दिखाने वाला एक सोच आपकी वसी करने वाला उसके बाद आप काम के लिए खड़े हो जाते हैं तो इसीलिए हमने इनको मदू किया मैं एक और चीज़ पूछूँगी कि जो औरतें हमारी घर में बैठी जो बहनें अब वो अपने बूढ़े बाप का सहारा बनना चाहती हैं कुछ बेटियाँ हैं जो अपने भाई का साथ यू नो देना चाहती हैं ताकि तालीम भी हासिल कर लें घर के कुछ अखराजात भी हो जाए पूरे तो वो कैसे घर बैठ के कोई ऐसे आइडियाज़ अगर उनको बताएं कि वो बिज़नेस शुरू कर लें कोई काम करें और उनकी इनकम जनरेट हो जाए दो चीज़ें की जा सकती हैं नंबर वन पाकिस्तान के अंदर फरोख्त करना है तो हैंडमेड चीज़ें जैसे कि परांदे जैसे ख़वातीन परांदे बनाती हैं धागे से बने हुए तकिए बनाती हैं इसी तरह सूट कढ़ाई करती हैं इसको अपनी इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर और फेसबुक पेज बना के उसके ज़रिए बेचने की कोशिश करें और बहुत सारी खवतानी बेच रही हैं अगर पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं और टाइम भी है और फ़रागत भी है तो फिर उनको चाहिए कि वो एट्सी और ईबे पे जाएं ये क्या है ये दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हैंडमेड चीज़ें एट्सी के ऊपर फरोख्त होती हैं और बड़े महंगे दामों में फरोख्त होती हैं मिसाल के तौर पे गांव के अंदर रोटी रखने के लिए एक चंगेर जिसे छब्बी भी कहा जाता है वो बनाती हैं और वो तकरीबन गाँव के हर देहात की बड़ी बूढ़ी औरत को बनाना आता है उसकी मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो आठ से दस डॉलर है जबकि हम यहाँ पर दो दो सौ रुपये में फरोख्त कर रहे होते हैं तो सही प्लेटफॉर्म का इंतखा करें और वहाँ पर चीज़ें फरोख्त करें पैसा ज़रूर बनता है अरे वाह और कोई खाने पीने की अशिया कोई चीज़ जो घर से औरत कर सके क्योंकि जो जो उसके अंदर स्किल्स हैं औरत के स्किल्स के हिसाब से बात करी ये हो गए परांदे हो गए डलिया हो गया बर्तन कोई जी इसमें क्या किया कारी कारी बहुत अच्छी हो कि कि पंजीरियाँ बना के बेच रही हैं ख़वातीन शहद के ब्रांड बना के बेच रही हैं घरों के अंदर फ्रूट को खुश्क करके आम को पाँच हज़ार रुपये किलो बेच रही हैं मैंने ज़िंदगी में जो सबसे अच्छा फल खाया है वो खुश्क तरबूज़ खाया जिसका जायका दो साल के बाद भी जब याद आता है तो मुँह में पानी आ जाता है तो ये बग़ैर बिजली के बग़ैर मशीनों के किए जाने वाले काम हैं और ये ख़वातीन ज़्यादा बेहतर तरीक़े से कर सकती हैं मर्दों की नस्बत सिर्फ़ धूप के अंदर एक चारपाई के ऊपर कपड़ा डाल के फ्रूट्स को काट के रखना है और उसके ऊपर एक और कपड़ा डाल देना है दो से तीन दिन में खुश्क हो जाना और उसके बाद पैकिंग करनी है और उसको ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए फ़रोख्त करना है इतने महंगे बिकते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते और अब हमारी खातानी अलहमद आहिस्ता आहिस्ता इन प्रोजेक्ट्स और इन कामों के ऊपर आ रही हैं वाह और साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे जो छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं कुछ हजरात ऐसे काम शुरू कर देते हैं कारोबार में बिजली के बिल इतने आते हैं लाइक मेरा खुद का अपने घर का आज लाख रुपये का बिल है मैं घर थी ही कोई नहीं मैं तो मुल्क से बाहर थी तो अब जो रह रहे हैं बेचारे जो काम कर रहे हैं जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं उनकी दुकानों के अगर इतने इतने बिल आ जाएंगे तो वो या तो बिल दे सकेंगे या तो फिर वो काम कर सकेंगे फिर उन्हें किस तरीके से कोई बैलेंस आइडिया बता दें कि कैसे कर सकें देखिए बिजली के बिल अगर बढ़े हैं तो वो सब के लिए बढ़े, महंगाई बढ़ी है तो सब के लिए बढ़ी है मटेरियल्स के रेट बढ़े हैं तो सब के लिए बढ़े, जब सब के लिए रेट्स बढ़ते हैं या महंगाई होती है तो सभी लोग अपनी प्रोडक्ट्स के दाम ऊपर ले जाते हैं तो अगर छोटा कारोबार अगर जो लोग नया काम करना चाहते हैं ना वो तो इसी डर से ना मशीनरी खरीद रहे हैं ना वो कोई जगह खरीद रहे हैं ना कोई ले रहे हैं रें रेंट पे क्योंकि यही मसले है ना क्योंकि तो बिजली बहुत है तो वही कहाँ से पे करेंगे मशीनरीज वगैरह की क्योंकि बिजली बहुत महंगी है ना कारोबार करने के लिए पहली तो ये बात है कि किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है कारोबार एक सोच का नाम है ना कि अमली इकदाम ऐसे जो अपड़ा धपड़ी में किए जाए तो जो लोग भी चले मैं आपको एक हाँ, लोगों के सामने। अगर सपोज मैं कोई बिजनेस करना मैं ये चाहूंगा कि आप अपना एक ब्रांड रजिस्टर करवाएं कॉस्मेटिक्स का और सीरम्स में आ जाएं चार किस्म के सीरम्स बनाएं और जो आपकी पर्सनालिटी है या जो आपकी पी है आपके सीरम्स इतने बिकेंगे कि किसी और के बिक नहीं सकते हाँ, क्योंकि आपने मेरी ग्लोइंग स्किन देख के ना तो इससे वजह से शायद बोल दिया और क्या आइडिया तीन बताने दूसरा दूसरा आप ट्रैवल करती हैं तो आ, एक ऐसे बंदे को साथ पार्टनर बनाएं जो कि आपके लिए वर्किंग पार्टनर का किरदार साबित किरदार अदा कर सके तो आप ट्रैवलिंग एजेंसी बना सकती हैं जो लोगों को विज़िट करवाएँ बाहर के टूर्स करवाएँ जैसे कि दुबई का कर सकती हैं या आज़रबाईजान का कर सकती हैं जैसे बाकू में आजकल बहुत सारे लोग ट्रिप्स लेके जाते हैं दो से पाँच लाख रुपये के दरमियान में एक बंदे को वो ऑफ़र करते हैं तो आप एक टूर टूरिस्ट कंपनी बना सकती हैं जो मुल्क के अंदर नहीं मुल्क के बाहर

ये तो बड़ी अच्छा अब इस तरीके से आपको लगता है कि जब ब्रांड स्टार्ट हो गया इस्टेब्लिश हो गया अब उसको जब बड़े पैमाने तक लेकर जाना है तो ये किस तरीके से मेरे भाई हज़रा बहने हज़रा कैसे लेके जाए ब्रांड को थोड़ा सा बड़ा करें इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा बात करने के लिए बेसिकली हम जितनी भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं ना अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो सारी एफ़र्ट्स सेल्स होती हैं लेकिन लोग समझ रहे होते हैं कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं सेल्स एक अलग चीज़ है मार्केटिंग एक अलग चीज़ है मार्केटिंग के नतीजे में सेल्स जनरेट होती है जो दिखता है वो बिकता है ये आम मकूल है जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों के जहनों में रजिस्टर्ड करने में कामयाब नहीं होते तब तक आपकी प्रोडक्ट्स नहीं बिकती उसके बहुत सारे तरीके हैं आम तरीका ये है कि आप बिल बोर्ड लगाएं जो कि पच्चीस से तीस हज़ार रुपये महाना के अंदर आपको एक अच्छी स्पेस मिल जाती है जो कि एक चीखता चिंगाड़ता इश्तहार है आपकी प्रोडक्ट के बारे में दूसरा केबल के ऊपर इश्तिहार ज़रूर चलाएं और सबसे बड़ा आज के दौर में फ़ेसबुक एड्स अगर आप नहीं चलाएंगे तो आपका ब्रांड लोगों तक ज़्यादा तेज़ी और जल्दी से नहीं पहुंचेगा। आज के दौर का सबसे अच्छा टूल फेसबुक है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने ब्रांड की मार्केटिंग करें और बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाएँ थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया मेरी बहनें और जो भाई सुन रहे हैं और घर बैठ के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आज की जो एपिसोड की हमारी ये रील uh, है इसको आप संभाल के रखिएगा यूट्यूब से भी मिल जाएगी फेसबुक से भी मिल जाएगी हमारे सारे सोशल अकाउंट से मिल जाएगी आपको तो एक्चुअली जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये होगा कि जिस तरीके का भी काम आपके बिल्कुल करीब ही आपके पहुंच तक है आप वो स्टार्ट कर लेंगे और इसमें कोई इतने पैसे नहीं चाहिए इतनी कोई एफ़र्ट नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए वो स्किल्स ही आपने आगे मार्केट में बेचने हैं एंड दैट्स इट आप अच्छे बिजनेस मैन बन सकते हैं भले छोटे से स्टार्ट कीजिए आगे चल के फिर उसको बड़ा कर दीजिएगा शुरू तो कीजिए ठीक है एक ब्रेक के बाद मिलते हैं ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है दो बच्चे हैं बहुत छोटे भाई बहन हैं उनकी स्टोरी आज आपके सामने उनकी जुबानी आपको सुनाऊंगी बड़े सारे इंटरव्यूज़ करती हूँ मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं उनके अंदर बहुत स्किल्स हैं और आज जिन बच्चों से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ इनका टैलेंट इनके स्किल्स इनकी कहानी बहुत मुनफरद है बहुत अलग है नॉट लाइक like जैसे मैं आप कोई और हमारी कहानियों से मिलती जुलती नहीं है और इतने मेहनती इतने होनहार इतनी मोहब्बत रखने वाले बच्चे इनकी स्टोरी में आपको इनसे मिल के ही बताऊँगी इससे पहले मैं अभी पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ ज़बरदस्त नदीम और बहुत ही प्यारी समरीन दोनों भाई बहन मेरे सेट पे आएंगे आइए जी नदीम और इधर आइए गुड़िया आप भी जिनके हाथ में स्पीकर है अपने वज़न से भी ज़्यादा भारी स्पीकर लेके घूम रही हैं ये है समरीन ये दोनों भाई बहन हैं नाजीन और ये बहुत प्यारे बच्चे मैं इनके बारे में क्या बताऊँ ये वो बच्चे हैं जिनके वालिद साहब जो है ना वो घर पे बीमार हैं उनको फालिज हो चुका है और ये दोनों भाई बहन जो हैं अपना घर का ख़र्चा उठाने के लिए अपनी लिविंग के लिए रहने के लिए जीने के लिए खाने पीने के लिए ये इस तरह का काम करते हैं और ये काम जो है ये इनका स्किल है। ये भीख नहीं मांगते ये रोडों पे भीख नहीं मांगते ये रोडों पे अपना स्किल दिखाते हैं अपनी एक मैं आपको बताऊं टैलेंट दिखाते हैं और ये जाते गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस तरह से ये स्पीकर बहन के हाथ में होता है ये भाई की जो परफॉर्मेंस आपने ऑलरेडी देख ली कितने टैलेंटेड हैं वो अपनी इस तरह की परफॉर्मेंस से मुनफरद हैं और दोनों भाई बहन गली मोहल्ले से सारा दिन जो भी हज़ार बारह सौ रुपये रोज़ का इकट्ठा करते हैं फिर घर जाते हैं घर के अखराज चीज़ें सब पूरी करते हैं इनकी अम्मी जो हैं वो काम करती हैं और लोगों के घर ज, घर जाके लोगों के झूठे बर्तन साफ़ करती हैं उनके झूठे बर्तनों के साथ उनका जो झूठा बचा खाना होता है वो लेकर आती हैं और अपने इन दो बच्चों को खिलाती हैं उसके अलावा लोगों के घर की सफाई करती हैं लोगों की झाड़ सुनती हैं लोगों की बातें सुनती होंगी कोई कुछ कहता होगा कि लेट हो गई हो टाइम पर नहीं आई तो मैं निकाल दूँगी बच्चे छोटे हो सकता है उनकी वजह से कभी देर चुक हो जाती हो लोगों के घरों में जा जा के उनको काम करना पड़ता है कैसे कैसे माहौल कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती होंगी इन बच्चों का पेट पालने के लिए मगर ये भाई और ये बहन दोनों मिलके अपना टैलेंट दिखा के दुनिया में रोज़ का हज़ार बारह सौ कमा लेते हैं पढ़ नहीं सकता वो घर के घर के हालात देख लें फालद साहब जो है वो उनको फालिज का अटैक है वो देखें किस तरीके से अपनी बसर गुसर कर रहे हैं किस तरीके से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं घर के हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से हैं इनके तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले लोगों को देख के ये सब सोचना छोड़ दें कि मैं किसी को डांस सिखा रही हूँ यहाँ पर मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ बच्चों को नाचना सिखा रही हूँ चीज़ों को पॉजिटिव सोचा करें गंदा ना सोचा करें आप लोग की गंदी जहन ने आप लोग की जहनीत ने ये जो हमारे माशरे के बच्चे हैं ना इनको तकलीफ़ें दी हैं आज इन बच्चों के ज़रिए मैं खुदा रहा आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने गंदे लफ्ज़ों को संभालें अपनी गंदी सोच को संभालें अप गंदी निगाहों को संभालें इन बच्चों को आप लोगों के सारे की भी ज़रूरत है ये हमारा माशरा है जो उस तरीके का बच्चों को जो है ना जन्म देता और उसके बाद उनको खाने को कुछ नहीं देता इनके आंसू पे तरस खाएं खुदा इनके आंसूओं पर तरस खाए इनको भी माशरे में खड़ा होना है पढ़ना है लिखना है रोटी खानी है पेट है एक वक्त का खाना ना खाए कितनी तकलीफ होती है मैं सेट पे बैठ के रोनी होती हूँ और मैं सबको बोलती हूँ नूर मुझे खाना दे दो खाने का टाइम हो गया कैंटीन में लग गया होगा कुछ ला दो किसी के घर क्या बनाए लोगों से छीनना शुरू कर देती हूँ ऑफिस में ये बच्चों को नहीं लगती होगी भूख इनका कुछ अच्छा खाने को दिल नहीं करता होगा हमारे माशरे की वजह से ये बच्चे ऐसे जन्म ले रहे हैं कि जिनको दर दर रोडों पे भटक भटक के नाच गा के अपना टैलेंट दिखा के पैसा कमाना पड़ता है आपकी वजह से है आप लोगों ने इस तरीके से इस तरीके की पोजीशंस कर दिए हैं कि हमारे यूथ जो है बिना तालीम बिना सहूलत बिना रोटी रोडों में भटक रही है कितनी तकलीफ़ रखता होगा वो भाई अपनी छोटी सी नन्ही बहन को अपने वजन से ज्यादा भारी स्पीकर पकड़ा के रोडों पे जाता है मैंने मुसलमान हैं पूरे पूरे जितने, है, जितने लोग दो आज दो बच्चे हैं ना यहाँ पे मैं लेकर आई इसके अलावा और बच्चे नहीं होंगे क्या इस तरीके के लाखों बच्चे हैं जिनको आप लोगों ने जन्म दिया अच्छा मुझे ये बताओ हैं ये इतना कुछ तुमने सीखा कहाँ से है नदी ये गमों ने घर के हालातों ने मजबूरी ने सिखाया मुझे डांस कितनी उम्र से किस एज से निकले थे ये सब कुछ करने जब मेरा अबू बीमार हो गया था ना कब हुए थे वो तीन साल हो चुके हैं तीन चार साल कॉलेज का टैग पड़ा उनको जी चल फिर नहीं सकते जी नहीं और वालदा मेरे लोगों के घर में किचन का काम करती है किसी किसी बच्चे का दिल करता होगा अपनी माँ को काम करते हुए मैं खुद काम करके अपनी माँ को कोशिश करता हूँ घर में बैठे मैं काम करूँ मेरे से ना सीरियसली बर्दाश्त नहीं हो रहा ना खाने को लाले पड़े हैं बिजली सब कुछ इस मुल्क में हमने क्या करना है इधर हमें क्या मिल रहा है हम क्या दे रहे हैं बच्चों को ना रोटी दे सक रहे हैं ना तालीम दे सक रहे हैं ना रोशनी ना काम कुछ नहीं दे सक रहे मैं शर्मिंदा हूँ आपसे बेटा हम मैं मैं हम सब शर्मिंदा हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। चाहते तुम्हारे अबू का इलाज हो जाए हैं जी क्या कहते हैं डॉक्टर अब ठीक हो जाएंगे कहते हैं पैसे बहुत लगते हैं हम अपने की दवाई में कभी कभी दे देता हूँ कभी नहीं आती नहीं होती घर में खाना खाएं या अपने अबू को दवाई दें कितने बजे निकलते हो सब करने सुबह से घर से सुबह हम छः सात के वक्त निकलते हैं हम घर में हम दोनों भाई बहन डांस कर करके कर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं गर्मी हो सर्दी हो ये भूख नहीं दे, देखने देती ये बस घर में लाती ऐसे दे का हूँ कितना किराए किराए देते हो घर का पाँच देते हैं, पांच देते हैं। जी वो जो मेरी अम्मी किचन का काम करके कुछ पैसे लाती है वो दे वहाँ चले जाते है तो घर में कुछ भी नहीं आता तुम लोग पढ़ भी नहीं सके बहुत शौक़ है हम दोनों को पढ़ने का मगर घर के हालात भी पढ़ने देते हैं हम स्कूल जाएंगे तो घर में खाना कैसे आएगा अबू मेरा कैसे दवाई खाएगा मी मेरी कैसी कैसे खाना खाएगी मेरी दो बहन हैं बड़ी उसकी एक ही शादी करनी है उसके लिए भी पैसे जमा हो रहे नहीं हो रहे हमारे पास कोई तो ऐसी जगह कुछ चीज़ बता सकते हो कि अगर किसी ने आपकी मदद करनी है आपके स्कूल की फ़ीस आपके अखराज कोई कफालत आपकी किसी ने उठानी है अफोर्ड करना है तो वो आपको कांटेक्ट कर सके कोई है किसी का नंबर कुछ है जी आसिफ भाई ये वो सब कुछ वही आसिफ आसिफ भाई कौन है वो मेरे उस्ताद हैं वो मेरे मामू के बेटे हैं वही सब कुछ करते हैं जो मैं कुछ उनकी वजह से मगर वो ना आते तो तो आज मैं इधर आपके पास ना आता तो कोई आपसे आके मिल सकता है वो तो हमें पे जी मिल सकता है वो जो मैं वीडियो बनाता उस पर नंबर दिया वह जो हेल्प कर सकता है वो उस पर हो सकता है अच्छा आपका टिकटॉक का अकाउंट बनाया आपके मामू के बेटे ने ना आपके टिकटॉक के अकाउंट का नाम क्या है पाकिस्तानी हीरो तो मेरा पहला भी कौन था वो टू मिलियन उस पर लाइक हो गए थे वो टिकटॉक ने हमारा अकाउंट उठा दिया था बहुत दुख हुआ था है? जी किसी गाने की वजह से कोई स्ट्राइक आ गई होगी ना तो अभी दूसरा बना है जी उस पर भी टू मिलियन होने वाले टू मिलियन होने वाले हैं आगे जाके अभी वो मोनेटाइज हो जाएगा तो थोड़े आपको उधर से भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे ना जी. तो मैं चाहूँगी आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करें इस अकाउंट को उस अकाउंट को फॉलो करें उस अकाउंट को शेयर करें उसको इनकी वीडियोज को लाइक करें ताकि अपने पैरों पर पे खड़े हो जाएं इस तरह की हरकत से बेहतर है कि खुद जो है ना कुछ आ, काम कर सके अपनी पढ़ाई अफोर्ड कर सके अपनी बहन को पढ़ा सके बाप का इलाज करा सके और अगर आपने मदद भी करनी है तो उनके अकाउंट में नंबर लिखा हुआ है नंबर याद है मैं आपको जी आसिफ भाई को बताएंगे नंबर का आसफ़ भाई का नंबर क्या बोलो ज़रा क्या नंबर है ज़ीरो तीन सौ सो सोलह चौदह इकतीस ज़ीरो बयासी ये नंबर है अगर इस नंबर पे कॉल करके आप पर्सनली इन बच्चों से मिलना चाहते हैं इनकी कोई कफालत उठाना चाहते हैं इनकी मदद करना चाहते हैं तो काइंडली आप आंखें बंद नहीं कीजिएगा इस तरीके के बच्चों को सपोर्ट कीजिएगा इस तरीके के बच्चे तालीम हासिल करके इल्म हासिल करके आगे माशरे में खड़े हो सकते हैं कितना टैलेंटेड बच्चा है और दूसरी बात हम कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं हमारा कोक स्टूडियो हो गया छोटे छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ आर सभा जैसी टैलेंटेड सिंगर छोटी सी बच्ची देखें थर से आई है थर जैसे इलाके से आज कितनी मशहूर हो गई वर्ल्ड वाइड अपना नाम रोशन कर रही है सिंगिंग कर रही है ये बच्चा कितना टैलेंटेड है किसी ने ड्रामे में किसी ने एक्टिंग में कोई कास्ट करना हो इतने अच्छे स्किल्स हैं उसके एक्टिंग के तो वाई नॉट उसको एक्टिंग में कोई चांस दी जाए इसीलिए मेरा ये मॉर्निंग शो का प्लेटफॉर्म मैंने ख़ास इसके लिए यहाँ पे आज डिज़ाइन की किया जगह खाली की ताकि आप देख सकें उसके अंदर कितने स्किल्स हैं अगर कोई हमारा मीडिया का भी बंदा कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर इसको कोई चांस दे सके कोई काम दे सके तो प्लीज़ दीजिए ताकि वो अपनी मेहनत से मेहनत की रोटी कमा के अपनी माँ को अपनी बहन को खिला सके अपना घर चला सके हमें लोगों को चांस देनी चाहिए हमें ऐसे लोगों को यू you नो know, काम देना चाहिए ताकि उनको अपनी ये जो टैलेंट है ये जो स्किल्स है इसके बाद किसी और तरीके से किसी के आगे हाथ फैलाने का मौका ना मिले भीख मांगने का मौका ना मिले और बच्चा जो है वो भीख नहीं मांगना चाहता ना वो भीख मांग रहा है वो अपना टैलेंट दिखा के तो जो इनाम जिसको मिलता है वो वो लेता है ऐसे ही है जी आपने रोना नहीं है आपकी मदद होगी ठीक है अल्लाह ताला आपके लिए देखेगा रास्ते खोलेगा इतने तो प्यारे बच्चे हैं आप लोग और आपने किसी चीज़ से भी ना मायूस नहीं होना ठीक है कभी कभी अल्लाह ताला आजमाइश जो है, है किसी की बुढ़ापे में लेता है किसी की जवानी में कभी कभी छोटे छोटे बच्चों पर भी आजमाइश आ जाती है ये सब आजमाइश है ठीक है ना तो ये जब आजमाइशों से आप पार हो जाएंगे तो आपके लिए आगे जो सफ़र है ना बहुत वसी है ठीक है मैं आपसे ख़ास रिक्वेस्ट करूँगी इनकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए और आप कर सकते हैं मुझे पता है आप ख़ुद जानते हैं कि आजकल के हालात इतना इतने मुश्किल इतने तंग है कि हम अपनी चीज़ों को पूरे नहीं कर सकते तो फिर ये किस तरह करते होंगे खुदाफिज